हेलो बच्चों, मैं आपके मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा दो का आठवां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन कक्षा दो का आठवां चैप्टर, चैप्टर का नाम है बच्चों विद्यालय। विद्यालय जिसे हम स्कूल कहते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और आठवां चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। विद्यालय शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। विद्यालय ज्ञान का वह पवित्र स्थान है जहाँ हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना भी सिखाया जाता है। बच्चों विद्यालय ज्ञान का वह पवित्र स्थान है जहाँ हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना भी सिखाया जाता है। आजकल प्रत्येक गांव तथा शहर के मोहल्ले में एक ना एक विद्यालय अवश्य होता है जिसमें आसपास के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चों आजकल प्रत्येक गांव तथा शहर के मोहल्ले में एक ना एक विद्यालय अवश्य होता है जिससे आसपास के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं जिसमें आसपास के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इस प्रकार विद्यालय पड़ोस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पड़ोस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गांव तथा शहरों में कुछ विद्यालय हिंदी माध्यम के तथा कुछ विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। गांव तथा शहरों में बच्चों कुछ विद्यालय हिंदी माध्यम के होते हैं, कुछ विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। हिंदी माध्यम वाले विद्यालयों में अंग्रेजी छोड़कर सभी विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी को छोड़कर अन्य सभी विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। शहरों में बच्चों अधिकांश विद्यालय बहुत बड़े और बहुमंजिला बने होते हैं। शहरों में बच्चों अधिकांश विद्यालय बहुत बड़े तथा बहुमंजिला बने होते हैं। इन विद्यालयों में बच्चों की उत्तम शिक्षा व खेलने कूदने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। बच्चों इन विद्यालयों में बच्चों की उत्तम शिक्षा व खेलने कूदने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। विद्यालय में छात्रों के लिए विशेष वस्त्र निर्धारित होते हैं। विद्यालय में छात्रों के लिए विशेष वस्त्र निर्धारित होते हैं जिन्हें यूनिफॉर्म कहते हैं। जिन्हें बच्चों क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। विद्यालय में सभी छात्रों का यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होता है। विद्यालय में सभी छात्रों का बच्चों यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होता है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। आपने क्या सीखा? विद्यालय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? विद्यालय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? विद्या प्लस आलय माने विद्यालय। हम अच्छा आचरण कहाँ सीखते हैं? हम अच्छा आचरण करना कहाँ सीखते हैं बच्चों? विद्यालय में। विद्यालय में हम अच्छा आचरण सीखते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को जूनियर हाई स्कूल विद्यालय कहा जाता है? आइए बच्चों अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। विद्यालय में अनेक अध्यापक तथा एक प्रधान अध्यापक होते हैं। विद्यालय में बच्चों अनेक अध्यापक होते हैं तथा एक प्रधान अध्यापक होते हैं। वे हमें शिष्टाचार संबंधी बातों की शिक्षा देते हैं। वे हमें बच्चों शिष्टाचार संबंधी बातों की शिक्षा देते हैं। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। विद्यालय में बच्चों शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं जैसे कि खेल प्रतियोगिता है, कला प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है। इस तरह से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चों इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही छात्रों का मनोरंजन भी होता है। इस प्रकार विद्यालय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बच्चों हमारे जीवन में विद्यालय का बहुत महत्व है। विद्यालय की शिक्षा हमें एक अच्छा तथा योग्य मनुष्य बनने में सहायता करती है। विद्यालय की शिक्षा बच्चों हमें एक अच्छा योग्य मनुष्य बनने में सहायता करती है, बनाने में सहायता करती है। अतः विद्यालय के प्रति हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इसे स्वच्छ तथा सुंदर रखें। अतः बच्चों विद्यालय के प्रति हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसे स्वच्छ तथा सुंदर रखें। बच्चों विद्यालय में जगह जगह कचरा नहीं डालना चाहिए, कागज वागज फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, इसको पवित्र तथा स्वच्छ रखना चाहिए। मुख्य बिंदु है बच्चों
विद्यालय का ज्ञान का एक पवित्र स्थान है जहाँ हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना भी सिखाया जाता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी को छोड़कर अन्य सभी विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय में सभी छात्रों का यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होता है। विद्यालय में बच्चों सभी छात्रों का यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। विद्यालय में बच्चों शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। इसी के साथ बच्चों अपना चैप्टर खत्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। नंबर का है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर एक पे है बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, इसके बच्चों तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक विद्यालय, नंबर दो डाकघर, नंबर तीन है इनमें से कोई नहीं। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों, इसका सही आंसर है विद्यालय। तो नंबर एक पे जो विद्यालय लिखा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय लिखा है नंबर एक पे, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब चलते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। विद्यालय में विभिन्न विषयों के साथ साथ और क्या सिखाया जाता है। विद्यालय में बच्चों विभिन्न विषयों के साथ साथ और क्या सिखाया जाता है, इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक पे है अच्छा आचरण, नंबर दो पे है टीवी देखना, नंबर तीन पे है सोना। बच्चों विद्यालय में विभिन्न विषयों के साथ साथ और क्या सिखाया जाता है, इसका सही आंसर है बच्चों अच्छा आचरण। इसका सही आंसर है अच्छा आचरण। तो नंबर एक पे लिख रहा है अच्छा आचरण, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अच्छा आचरण के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों नंबर तीन की तरफ। शहरों में अधिकांश विद्यालय कैसे बने होते हैं। शहरों में अधिकांश विद्यालय कैसे बने होते हैं बच्चों, इसके भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर एक पे है बड़े, नंबर दो पे है बहुमंजिला, नंबर तीन पे है दोनों। तो इसका सही आंसर है बच्चों बहुमंजिला। नंबर दो पे जो बहुमंजिला लिखा हुआ है इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर चार पे आते हैं, विद्यालय में छात्रों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं। विद्यालय में छात्रों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं। नंबर एक पे है बच्चों यूनिफॉर्म, नंबर एक पे है यूनिफॉर्म, नंबर दो पे है पोशाक, नंबर तीन पे है इनमें से कोई नहीं। इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, यूनिफॉर्म, पोशाक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों यूनिफॉर्म। नंबर एक पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। विद्यालय में छात्रों के लिए निर्धारित विशेष वस्त्रों को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो नंबर एक के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों घ की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर एक पे है बच्चों विद्यालय का पवित्र स्थान है। विद्यालय का पवित्र स्थान है, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों ज्ञान भरना है। ज्ञान, विद्यालय ज्ञान का पवित्र स्थान है। नंबर एक में अपने को ज्ञान लिखना है। नंबर एक के खाली स्थान में ज्ञान लिखना है, विद्यालय ज्ञान का पवित्र स्थान है। नंबर दो पे आते हैं बच्चों, माध्यम वाले विद्यालयों में छोड़कर सभी विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। हिंदी माध्यम वाले विद्यालयों में अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। तो इसके पहले खाली स्थान में अपने को बच्चों नंबर दो पे सबसे पहले खाली स्थान में अपने को हिंदी लिखना है और दूसरे खाली स्थान में अपने को अंग्रेजी लिखना है। नंबर दो में दो रिक्त स्थान दिए गए हैं बच्चों, एक में अपने को हिंदी लिखना है, दूसरे में अपने को अंग्रेजी लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर तीन की तरफ। शहरों में विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्ध होते हैं। नंबर तीन के खाली स्थान में बच्चों अपने को उत्तम लिखना है। उत्तम, उत्तम माने अच्छे, अच्छे या अच्छी। शहरों के विद्यालयों में बच्चों की उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्ध होते हैं। नंबर तीन के खाली स्थान में अपने को बच्चों उत्तम लिखना है। नंबर चार पे आते हैं, विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक भी होते हैं। विद्यालय में एक भी होते हैं। नंबर चार के खाली स्थान में अपने को प्रधानाध्यापक लिखना है। नंबर चार के खाली स्थान में बच्चों अपने को प्रधानाध्यापक लिखना है। विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक भी होते हैं। नंबर गा पे आते हैं, सही कथन के लिए सही का तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए।
सही के लिए सही का और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर एक पे बच्चों विद्यालय खेल का पवित्र स्थान है, गलत। इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है, क्योंकि बच्चों शिक्षा का पवित्र स्थान है विद्यालय, खेल का नहीं है। विद्यालय खेल का पवित्र स्थान है, नंबर एक के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब नंबर दो पे आते हैं, शहरों के विद्यालयों में खेलने कूदने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना। नंबर दो के सामने बच्चों अपने को राइट का निशान लगाना। नंबर तीन पे आते हैं, विद्यालय में छात्र रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर जाते हैं, ये गलत है बच्चों। नंबर तीन के सामने अपने को गलत का निशान लगाना। विद्यालय में बच्चे क्या पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म, तो ये गलत है, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना। नंबर तीन है, विद्यालय में छात्र रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर जाते हैं, गलत, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना। अब आते हैं नंबर चार की तरफ, अध्यापक हमें शिष्टाचार संबंधी बातों की शिक्षा देते हैं, ये सही है। नंबर चार है बच्चों, अध्यापक हमें शिष्टाचार संबंधी बातों की शिक्षा देते हैं, ये सही है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर पाँच की तरफ, हमें विद्यालय को स्वच्छ रखना चाहिए, ये सही है बच्चों। हमें विद्यालय को स्वच्छ रखना चाहिए, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर पाँच पे बच्चों अपने को सही का निशान लगाना है। अब आगे चलते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आते हैं बच्चों अपन प्रश्न उत्तर की तरफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक है बच्चों, विद्यालय शब्द का क्या अर्थ है? विद्यालय शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर एक का उत्तर है बच्चों, विद्यालय शब्द का अर्थ है विद्या का घर, विद्या का घर। प्रश्न नंबर दो पे आते हैं, विद्यालय में हमें क्या 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 सिखाया जाता है? प्रश्न नंबर दो है बच्चों, विद्यालय में हमें क्या क्या सिखाया जाता है? उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर दो का उत्तर है, विद्यालय में हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना सिखाया जाता है। विद्यालय में हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना सिखाया जाता है, प्रश्न नंबर दो का उत्तर है। विद्यालय में हमें क्या सिखाया जाता है? विद्यालय में हमें विभिन्न विषयों के साथ साथ अच्छा आचरण करना सिखाया जाता है। नंबर चार है बच्चों, प्रश्न नंबर चार है, नंबर सॉरी प्रश्न नंबर तीन है, शहरों के विद्यालय कैसे होते हैं? शहरों के विद्यालय कैसे होते हैं? प्रश्न नंबर तीन है बच्चों, शहरों के विद्यालय कैसे होते हैं? उत्तर है, प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है बच्चों, शहरों के विद्यालय बहुत बड़े तथा बहुमंजिला होते हैं, बहुत बड़े तथा बहुमंजिला होते हैं। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है, शहरों के विद्यालय बहुत बड़े तथा बहुमंजिला होते हैं। प्रश्न नंबर चार है बच्चों, विद्यालय के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? विद्यालय के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर चार का उत्तर है, विद्यालय को स्वच्छ व साफ रखना हमारा कर्तव्य है, विद्यालय को स्वच्छ व साफ रखना हमारा कर्तव्य है। खेल खेल में विद्यालय में प्रयोग होने वाले के लिए चार वस्तुओं के नाम लिखिए। विद्यालय में बच्चों जो जो चीजें प्रयोग में आती हैं उन चार चीजों के नाम लिखना है। इसी के साथ अपने बच्चों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। आप तब तक इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको अच्छे से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।